अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि रात के 8 बजे थे और एकदम से आंधी आई, और जैसे मुझे लगा कि आंधी आ रही है और मैं भागी छत पर चाबी लेकर के, ताला बंद रहता है छत पर। तो फ्रेंड्स सब लोग टीवी देख रहे थे बैठ करके और सब एकदम से डर गए, मैं कहाँ भाग रही हूँ सब मेरे पीछे पीछे। तो बोलने लगे मेरे हस्बैंड कि अरे क्या हुआ। मैंने कहा अरे मेरी मधुमालती खराब हो जाएगी आंधी में, मैं उसे जरा ठीक करके आती हूँ, सही जगह पे रख के आती हूँ, नहीं तो आंधी से पूरी खराब हो जाएगा उसका पौधा। और तो वो लोग फिर बहुत हंसने लगे और बोलने लगे कि इतनी आंधी में तुम ऊपर जा रही हो और अभी कोरोना का टाइम है। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अभी आती, बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगी, एकदम अभी आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स इतना अच्छे लगता है ये मुझे पौधा कि मैं किसी भी हालत में इसको ख़राब नहीं होने दे सकती। भरपूर कलियाँ आ रही हैं इस पर। साल भर पहले मैंने ख़रीदा था छोटा सा, तब दो एक फूल खिलते थे फ्रेंड्स। अभी मैंने इसको बाल्टी में रख दिया है, गमला, ये जो गमला है मिट्टी का गमला मैंने बाल्टी में रख दिया है। जैसे ही आसार लगेंगे आंधी उंधी आने के, वैसे ही ये बाल्टी समेत मैं साइड में रख दूंगी। तो है ना दिल तो पागल मेरी मधुमालती के लिए, तो 2 लाइनें हो जाएं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हंसता है यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो फ्रेंड्स मेरी मधुमालती का पौधा कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताएं। प्लीज एक लाइक तो बनता है मेरी मधुमालती के लिए।